नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। भारत और चीन के बीच कुछ महीनों से लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह भी चीन है, जिसने लद्दाख में भारत के खिलाफ साजिश रची, जमीन कब्जाने की कोशिश की। भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। चीन की पीएलए सैनिकों को खदेड़ दिया। पेगोंग झील की कई ऊंचाइयों वाली चोटियों से चीनी सैनिकों को खदेड़कर कब्जा भी कर लिया। अब भारत ने चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त देने के लिए कमर कस ली है। भारत एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हो रहा है। पिछले दो महीनों की बात करें तो भारत ने कई मिसाइलों और रॉकेटों का परीक्षण किया है। बता दें कि अब भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। डीआरडीओ ने बताया कि नए रॉकेट सिस्टम में पुराने वेरिएंट MK-1 की तुलना में लंबी रेंज है, जबकि ये आकार में पहले के मुकाबले छोटा है। रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का डिजाइन और इसका विकास पुणे के डीआरडीओ लेबोरेटरीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने किया है। रॉकेट का परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ ने कहा कि कुल 6 रॉकेट का परीक्षण किया गया और ये सभी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे। छोड़े गए सभी रॉकेट्स की निगरानी टेलीमेट्री रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से की गई, जिससे उसकी परफॉर्मेंस की पुष्टि की है। पिनाका MK-1 रॉकेट्स की जगह पिनाका रॉकेट का उन्नत वर्जन लेगा। पुराने पिनाका MK-1 का रेंज 40 किलोमीटर था, जबकि इसका उन्नत वर्जन 45 से 60 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है। बता दें कि डीआरडीओ ने पिछले साल MK-2 पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर के बीच है। MK-1 का उन्नत वर्जन इस खाई को भरने के साथ नजदीकी लक्ष्य पर निशाना साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको भारतीय सेना की उन जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है जो चीन सीमा पर रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने कब्जे वाले अक्साई चीन में रॉकेट रेजिमेंट्स की तैनाती कर रखी है और पिनाका का उन्नत वर्जन भारतीय सेना को उसका जवाब देने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। भारत के इन कदमों से साफ है कि भारत अब अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, और ये तो बस दुश्मनों के खिलाफ अभी शुरुआत है। मोदी सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि चीन हो या पाकिस्तान, जिसने भी देश के सैनिकों के खिलाफ आंख खुटा कर देखा उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। अब इतना तो तय है कि चीन और पाकिस्तान अपनी नई चाल चलने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। भारत की लगातार बढ़ती सैन्य ताकत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।